रांची से आ रही है। यहां पर शराब घोटाले को लेकर झारखंड में ईडी की अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रांची के साथ झारखंड के ही 5 जिलों के 32 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के निजी आवास पर छापेमारी हुई है। सुबह सुबह 7 बजे के आसपास मंत्री के बरियातो स्थित निजी आवास पहुंची हुई थी टीम। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रांची से, यहां पर अवैध कारोबार को लेकर, या ये कह लीजिए जो शराब का शराब घोटाले का जो कारोबार है, इसको लेकर ही झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर रांची के साथ साथ झारखंड के 5 जिले हैं जहां पर 32 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और इसमें आपको बता दें कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का जो निजी आवास है वो भी शामिल है इस छापेमारी में। उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है। सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास मंत्री जी का जो बरियातू वाला निजी आवास है वहां पर टीम पहुंची हुई थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आम और खास तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर सब पर जो ईडी है वो सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अब यहाँ पर मंत्री जी के आवास पर भी छापेमारी हुई है। 5 जिलों के 32 ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी शामिल हैं। उनके निजी आवास पर यहाँ पर छापेमारी हुई है। हमारे सहयोगी आयुष ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, क्या कुछ अपडेट मामले को लेकर? सुबह 7 बजे छापेमारी के लिए टीम पहुंची थी, 9 बज गए, कुछ मिला है वहां से? जी देखिए, आना बताना चाहेंगे कि लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। ईडी की लगभग एक दर्जन टीम जो है वो अंदर छापेमारी कर रही है, कागजातों को खंगाल रही है, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि रांची के जो जो कह सकते हैं कि निजी आवास है मंत्री जी का, ये बरियातू थाना के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर ईडी की टीम है। इसके अलावा जो विनय कुमार है उनके यहाँ जो कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट जेन शोरूम के मालिक हैं योगेंद्र तिवारी हैं, तो ये 3 लोकेशन कंफर्म हुआ है। इसके अलावा 32 ठिकाने जो कह सकते हैं पूरे राज्य के 5 जिलों में चल रही है, ये सुबह की ही शुरुआत हुई है और इसका कनेक्शन शराब घोटाले से जोड़ के देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2023 को उत्पाद सचिव जो है यहाँ के विनय कुमार चौबे, उनको जो छत्तीसगढ़ की ईडी टीम है समन किया था, समन करके पूछताछ की थी। इसके अलावा बेवरेज कॉर्पोरेशन के जो भी MD है उनसे भी पूछताछ हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा था कि शराब में शराब को लेकर जो होलोग्राम या कह सके होलोग्राम के माध्यम से जो राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ में किया गया, इस प्रकार की आशंका झारखंड में भी व्यक्त की जा रही थी। और उस इसी को लेकर जो है एक बड़ी कार्रवाई चल रही है पूरे राज्य में 32 ठिकानों के में 5 जिलों में। और सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री जो है रामेश्वर उरांव के। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। आना आयुष, क्या सिर्फ यही मंत्री जी यानी कि सिर्फ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी भी इसमें शामिल है या कुछ और भी बड़े नाम हैं जिनका खुलासा अभी तक हो पाया? देखिए, अब तक तो सबसे बड़ा नाम जो है वो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का ही आ रहा है। उनके आवास में छापेमारी चल रही है, कई आगंतक थे, कोई फरियादी थे, कई फरियादी जो आए उनको बाहर से ही भेज दिया गया, बताया गया कि आज वो नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जेन के मारू मालिक जो है ये विनय सिंह है, इसके अलावा योगेंद्र तिवारी जमीन कारोबारी है, इसके अलावा एक तनिष्क शोरूम है आपको मेन रोड में, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। ये धीरे धीरे अपडेट आ रहा है, तो थोड़ा वक्त थोड़ा इंतजार करना होगा आना, जब चीजें स्पष्ट होंगी। आयुष, थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे यहाँ पर, ये तनिष्क शोरूम का शराब घोटाले से क्या कुछ लेना देना है? देखिए, ये चूंकि ये लोकेशन मिल रहा है आना, इसलिए हम ऐसा तनिष्क शोरूम कह रहे हैं क्योंकि शोरूम में ही छापेमारी चल रही है। और बड़ी बात ये है कि ये तमाम वैसे लोग हैं जो बड़े सिंडिकेट से नाता रखते हैं, मतलब मान लीजिए कि इनका इन्वेस्टमेंट कई जगह होता है, तो वैसे में एक आउटलेट तनिष्क का हो सकता है जो कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल हो। समय लगेगा जब चीजें स्पष्ट होंगी, आना। तो आयुष, कहीं ना कहीं अब ये मान लेना चाहिए कि सिर्फ छोटी जगहों पर नहीं, अब जो ईडी ने जो शिकंजा कसा है वो लगभग बड़े बड़े ठिकानों पर कसा है, चाहे वो मंत्री हो या और भी कुछ और बड़े नामची हो, यहाँ पर उनके भी नाम अब सामने आ जाएंगे। शुक्रिया आयुष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बता दें कि ये 5 जिलों के 32 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, ये छोटी जगहों पर नहीं, ये बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होने के कहीं ना कहीं अनुमान अब लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा नाम अभी तक जो निकल कर आया है वो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का निकल कर आ गया है। उनके निजी आवास पर ईडी छापेमारी कर रही है, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। तो बेगूसराय में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप ने एक बीजेपी नेता को कुचल दिया और उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।